हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। आज के टॉपिक हमारे पास क्या डुप्लीकेशन फॉर्मूला है। हाँ जी, हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसे करने के पहले हमें एक और रिजल्ट करना पड़ेगा जिसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और उससे भी पहले तुम्हें आई बटन के अंदर ऊपर एक लिंक मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर का, उसको वॉच कर लेना, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो डुप्लीकेशन फॉर्मूला बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले के रिजल्ट आता है आपके पास ये वाला है ना, इवेल्युएट वाला। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम्हें कभी फ्यूचर के अंदर ऐसा कुछ दे दिया जाए कि आपको यहाँ पर इवेल्युएट करना है कि जीरो से लेकर पाई बाय टू आपके पास साइन पी एक्स और क्यू क्यू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स, पी की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन है, क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन, और तुम इसको इवेल्युएट करो। यहाँ से एक ऐसा रिजल्ट रेडी करके दो हमें कि जिसको आप इन फ्यूचर यदि हमारे पास इंटीग्रेशन आती है साइन और कॉस के अंदर विद सेम और डिफरेंट पावर और लिमिट उसकी जो लेकर पाई बाय टू, तुम उसका डायरेक्ट आंसर निकाल सको। एक ऐसा रिजल्ट हम यहाँ से बनाने वाले हैं। क्या इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है? इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं आती वहाँ पर, आप नहीं कर सकते। लेकिन वो आपने ऑलरेडी करी है, वहाँ पर क्या हो सकता था कि आप यहाँ पर पावर इनकी नहीं पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पी और क्यू के बारे में हमें नहीं पता है, तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। यदि जो दोनों की पावर सेम होती तो हम यहाँ से एक चीज़ कर सकते थे, जीरो से लेकर पाई बाय टू हम ऐसे लिख लेते, यदि दोनों की पावर सेम होती तो आप साइन एक्स कॉस एक्स को कंबाइन करके पावर कॉमन ले लेते, फिर अंदर टू से मल्टीपाई टू से डिवाइड करते। लेकिन यहाँ पर आपकी पावर डिफरेंट है, तो जो डायरेक्ट हम सोच रहे थे वो पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर हम इसको खुद से करेंगे। अब हम जो चैप्टर करें बीटा एंड गामा, फिर उसकी हेल्प ले लेंगे। अब जो भी स्टेप आपको दिखेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से, हमें गिवन दे रखा है, हमें जो गिवन है वो हमारे पास है जीरो से लेकर पाई बाय टू है, साइन ऑफ पी एक्स है इंटू कॉज ऑफ क्यू एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, देखना ध्यान से कैसे हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम डियर यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से पहला स्टेप आप समझना, आपकी पावर जो है ना पी है, तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर करें और बाहर पावर टू करें, हम यहाँ पर कॉज ऑफ टू करें बाहर पावर टू, मतलब टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें पावर को। सर क्या करें हमने, मैंने जो भी पावर आपके पास क्यू थी ना या पी थी पावर, मैंने उसी पावर को टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, जैसे पी बाय टू इंटू टू। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका टू इंटू पी बाय टू कैंसिल होकर खाली पी बचेगा, ऐसे क्यू के साथ भी होगा। ठीक है, ऐसा क्यों करें इसका आंसर आपको मिल जाएगा आगे। तो हम यहाँ पर सब्सटिट्यूशन करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी समझाइटी लेकर आनी पड़ेगी। हमारे पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के अंदर तो एक रिलेशन रहता है, लेकिन साइन एक्स और कॉस एक्स को डायरेक्ट आप चेंज कर पाओगे वो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो यहाँ पर आप साइन स्क्वायर एक्स रहने देना। और यहाँ पर एक चीज़ वो भी देखना है कि मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग नहीं करवाना, मैं थोड़ा सा डिफरेंट हटकर करवाऊंगा कि जो चीज़ आसान रहती है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लिख सकते हो, साथ में आपकी पावर क्यू बाई टू है इंटू डी ऑफ एक्स है। अब यहाँ से एक चीज़, तो आप ऐसे चलोगे और मैं यहाँ से आंसर निकाल दूंगा और फिर आपके बुक के अकॉर्डिंग भी आपको दिखाऊंगा। अरे जितना आपके पास ये आपके आई आ चुकी है, अभी हम यहाँ पर थोड़ी सी सब्सटिट्यूशन कर लेते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स हमें दिख चुका है। हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं साइन स्केयर ऑफ एक्स को सिंपल कोई भी फंक्शन, जैसे हमने टी पुट कर लिया। ठीक है, जैसे आप पुट करोगे तो आपको सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। यहाँ से मैं और लिख देता हूँ, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आपको रूट ऑफ टी देखने को मिल सकती है, और यदि आपकी साइन की एक्स की वैल्यू रूट ऑफ टी आ चुकी है, ठीक है, तो यदि आप कॉज एक्स निकालोगे, कॉज एक्स होता है हमारे पास अंडरूट वन माइनस साइन स्केयर एक्स, ये आप सभी को पता होगा, बिकॉज कॉज स्केयर एक्स कैन रिटन एज वन माइनस साइन स्केयर ऑफ एक्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, टेंथ के अंदर हमें करते थे कॉस का एक्स इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर, तो जो कॉस का स्क्वायर वो दूसरी तरफ जाकर आपका अंडरूट बन जाएगा। और अभी के लिए हमारे पास क्या है, कॉस एक्स एज इट है, और जो आपके पास साइन स्क्वायर है उसकी वैल्यू मैंने टी ले रखी, तो आपके पास कॉस एक्स की वैल्यू वन माइनस रूट टी आ जाएगी। तो एक तो साइन एक्स की अकेले की वैल्यू है, एक आपकी कॉस एक्स की वैल्यू आ जाती है, दूसरा हमें यहाँ पर डी एक्स को भी रिप्लेस करना है। तो डी एक्स को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका पावर आगे आ जाएगी टू साइन एक्स है। पावर सॉल्व करने के बाद साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, दूसरी तरफ आपका डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो डियर आपको खाली यहाँ पर ना कुछ भी ऐसी टर्म दिख नहीं रही, तो आप खाली डी एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो मैं डी एक्स को ऊपर लेकर जाता हूँ और ये पूरी वैल्यू को नीचे लेकर जाता हूँ, तो हमारे पास डी एक्स आएगा वन बाय टू साइन एक्स आ जाएगा, कॉज एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आपका डी टी रहेगा। अब जब आप चेंज करो डी एक्स को, तो आपको डी एक्स को प्रॉपर डी टी में करना है, लेकिन हमारे पास तो डी एक्स चेंज हो रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर तो डी टी आ गया लेकिन नीचे फिर से एक्स वाले आ चुके। इन्हीं एक्स की टर्म को हटाने के लिए मैंने ऊपर आपके लिए वैल्यू फाइंड कर रखी है साइन एक्स की। अब साइन एक्स आपका क्या है, रूट ऑफ टी आर है, और कॉज एक्स आपके पास क्या है, जी वाली जो मैं यहाँ पर लिख रखा था, कॉज एक्स ऑलरेडी हमारे पास वन माइनस टी, और जहाँ से आपका डी टी आ जाएगा।
अभी तक हमने क्या करा, हमने पुट करा जहां पर भी हमें साइन स्क्वायर दिखेगा वहां पर हम टी लिख देंगे और डीएक्स को हम रिप्लेस कर देंगे हमारा 1/2 √t × 1 − t, और एक हमारे पास लिमिट बच जाती है। अभी हमारा जो टी है ना वो हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है, और एक्स की रेंज आपको दे रखी है कि जब आपका एक्स 0 होगा तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर साइन 0 का स्क्वायर है तो वो 0 का 0 ही होता है, तो आपका 0 आ जाएगा। जब आपका एक्स π/2 होगा है ना 90 डिग्री, तब हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप साइन के अंदर π/2 पुट कर देना, ऊपर स्क्वायर कर देना, ये 1 होता, 1 का स्क्वायर 1 होगा। हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी है, लिमिट भी चेंज कर चुकी है हमारा, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को रीरीड करेंगे, और रीड करते ही आपको चीज़ें दिखने लगे कि हम यहाँ से आगे कैसे लिंक कर पाएंगे। हमारा 0 से लेकर π/2 रिप्लेस हो गया 0 से लेकर 1, साइन स्क्वायर रिप्लेस हो गया टी के साथ, यहाँ पर पावर π/2 थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमारा रिप्लेस हो गया 1 माइनस थी, यहाँ पर पावर आपके पास q/2 थी, और जो हमारा dx था वो रिप्लेस हो जाएगा 1/2 √t × √1 − t × dt के साथ। ये सारी रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पर कर दी आपके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ये सारे स्टेप आप देख लेना dx कैसे करा। तो ठीक है, यहाँ से इतना करने के बाद आपको क्या काम करना है, आपको टी और 1/t − की पावर्स को इक्वेट करना है, लाइक है ना कि आपके पास ये जो 2 है ये तो आपका बाहर आ जाएगा 1/2, यहाँ से 0 से लेकर आपका 1 है, ये टी की पावर आपके पास π/2 दिखेगी, और नीचे आपके पास टी की पावर 1/2 है, न्यूमिनेटर के अंदर 1 − t की पावर आपको q/2 दिखेगी, और नीचे हमारे पास 1 − t की पावर 1/2 है, और साथ में dt है। तो हम सभी को पता है कि जब आपके पास बेस सेम होती है हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब वो डिवीजन के अंदर आती है, और बेस सेम होते हैं पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जब वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर आती है। तो हमारे पास यहाँ से i की वैल्यू 1/2 0 से लेकर 1, आपके पास t की पावर π/2 और माइनस का 1/2 हो जाएगा, सेम आपके पास रियल 1 − t की पावर भी q/2 − 1/2 हो जाएगा × dt, और बी कैन राइट इट एज, हम यहाँ इसको लिख पाएंगे 1/2 0 से लेकर 1 है, टी की पावर हमारे पास यहाँ पर बेस सेम आता ना 2, तो p − 1/2, और 1 − t की पावर लिख पाओगे q − 1/2 × dt। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट यहाँ से बन जाता है, और ये रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने खुद से ट्राई करा कि जो चीज़ें मेरे को सही लगे कि यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता, खुद से ट्राई करा आपके सामने हो गया। यदि आप अपने बुक के अंदर देखेंगे तो उन्होंने यहाँ से जो आपकी पावर p और q पावर है इसको सेपरेट कर दिया, p − 1 यहाँ पर रख ली, q − यहाँ पर, और एक एक पावर को अलग कर दिया। अब मेरे माइंड में स्टार्टिंग में डाउट आएगी यार ऐसा क्यों करा होगा, वो तो बाद में पता चल ही गया कि जब आप साइन स्क्वायर को आप टी पुट कर रहे हैं तो वहां से आपका डेरिवेटिव 2 sin x × cos x आएगा, तो उसी को वहां से हटाने के लिए उन्हें ऑलरेडी सेपरेट कर दिया। लेकिन मेरे फाइव स्टूडेंट को वो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और वो ये डाउट के साथ जा सकते हैं कि सर ऐसा ही क्यों करना। ठीक है, हमने चलो स्क्वायर वर्ग तो समझ में आ गया कि हम साइन और कॉस के अंदर रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सेपरेटिंग क्यों करी थी ना वो चीज़ें, तो आप अपनी बुक के अंदर से जहाँ से सेपरेटिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हमने तो हमारा कर ही लिया ना विदाउट सेपरेटिंग, तो वहाँ पर वो नीचे डिनोमिनेटर को हमने नीचे जाकर रिप्लेस कर लिया, तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं, वो यहाँ से इनका काम ऊपर कम हो जाता है, जैसे इन्होंने सेपरेट करा फिर इनका p − 1 और q − 1, इन्होंने वही चीज़ करी यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करा, इसको शांत सुबह से ये देखते चलेंगे ना, और फिर ऊपर आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर है, ये आपकी पावर p − 1/2 आपके पास है, यहाँ पर q − 1/2 बन रही है, इसमें सब कॉस स्क्वायर को 1 − sin, फिर साइन स्क्वायर को टी रिप्लेस कर दिया, ये इनका पूरे का पूरा बाहर चला जाएगा, जहाँ से हमारे पास नहीं जा रहा तो हमने वहाँ से साइन स्क्वायर जो हमारे पास टी बन रहा था एक्स है ना, तो यहाँ से साइन ऑफ एक्स की वैल्यू हमने √t निकाल ली थी जो कि नीचे चला जाएगा हमारा, और कॉस एक्स की वैल्यू हमने 1 − यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, इसकी हेल्प के साथ हमने कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल ली थी 1 − t। तो चीज़ें करते करते यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इतना, अब जहाँ से फाइनल आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला आंसर जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ बॉक्स के अंदर, ये आप ध्यान से देखो, इनका आंसर भी 1/2 0 से लेकर 1 टी की पावर p − 1/2 है, और 1 − t × q − 1/2 है, और हमारे पास भी आंसर देखो डिट्टो कॉपी पेस्ट है। अब जब आप इसको देख रहे होंगे, अब हमारे पास क्या है कि हमारा जो लिमिट आ रही है वो हमारी 0 से लेकर 1 तक आ रही है, और टी यहाँ पर टी मिल रहा है, यहाँ पर 1 − t मिल रहा है, यहाँ पर आपको dt मिल रहा है। अब स्टार्टिंग के अंदर p और q आपका ग्रेटर देन −1 − 1 था, तो ये जो आपको पावर यहाँ पर मिलेगी, ये वाली पावर p − 1 है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि हमें p − 1 से बड़ा था और q भी −1 से बड़ा था स्टार्टिंग के अंदर, तो ये यदि आप इस तरफ लेकर आते तो p + 1 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर जो नंबर आपके पास आ रहा है ना
ये आपके पास है ग्रेटर देन माइनस वन, तो ये आपका कितना हो सकता है, यदि आप इसके अंदर प्लस वन कर दोगे ना, और यहाँ पर प्लस वन कर लेते हो या फिर माइनस वन कर लो, माइनस वन ग्रेटर देन, अभी हमारे पास माइनस वन बन रहा है तो ये ग्रेटर देन माइनस ऑफ टू से होगा, दोनों तरफ आप माइनस वन यदि कर लेते हो ऐसे, तो पी माइनस वन ग्रेटर देन माइनस ऑफ टू, और यदि टू से डिवाइड कर लेते हो तो पी माइनस वन का हाफ ग्रेटर देन होगा, इसका हाफ आपके पास माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास एक ना रिलेशन होता है बीट ऑफ एम एन वाला, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, वो जीरो से लेकर आपका वन तक चलता है, एक्स की पावर आपके पास एम माइनस वन होती है, और यहाँ पर वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू टी एक्स होती है। तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जितनी पावर भी आपको यहाँ पर दिख रही है आप उसके अंदर प्लस वन करोगे तो आपको ये वाली टर्म मिलेगी, और वहाँ पर आपका एम और एन दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, मतलब जो पावर आपको यहाँ पर मिल रही है प्लस वन करने पर आपका एम आता है स्क्रीन के अंदर। तो अभी हमारे केस के अंदर आपका पी माइनस वन ओवर टू आपका दिख रहा है, तो जैसे आप इसके अंदर प्लस वन करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा पी माइनस वन प्लस टू ओवर टू चला जाएगा, तो ये आपका पी प्लस वन ओवर टू चला जाएगा। अब ये वैल्यू आपके सामने आएगी, या जी ग्रेटर देन जीरो है, मैं दिखाता हूँ, पी ग्रेटर देन माइनस वन था, तो ये आप जैसे ही प्लस वन को इस तरफ लेकर आओगे तो पी प्लस वन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और एक पॉजिटिव नंबर को यदि आप टू से डिवाइड करो तो स्टिल आपका आंसर यहाँ से जीरो से बड़ा ही आएगा। तो इसका मीनिंग ये चीज़ें आपके पास रिलेट कर पाएंगे हम, ठीक है। मैं किसकी बात करूँ आपके पास, थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर एम और एन ग्रेटर देन जीरो चाहिए तभी आप बीटा फंक्शन डिफाइन कर पाओगे। अभी जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ वो उस जो भी चीज़ को ध्यान से देखना कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसी इंटीग्रल आ जाती है, वह डेफिनेशन जीरो से लेकर वन तक, और यहाँ से इंटीग्रल जीरो से वन है और एक नंबर एक्स है दूसरा वन माइनस एक्स है, उसकी पावर कितनी भी है, यू कैन राइट इट इन द बीटा ऑफ एम एन फॉर्म के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। हमारे केस के अंदर भी दो लीनियर फंक्शन आ चुके, एक टी आ चुका है, एक वन माइनस टी आ चुका, तो वी कैन राइट इट, ये वन बाई टू आपका बाहर एज इट रहेगा, तो बीटा ऑफ जितनी पावर आपको दिख रही है उसके अंदर प्लस वन कर देना, जितने भी पावर दिख रहे हैं उसके अंदर आप प्लस वन कर देना। क्या लिख पाएंगे इसकी क्लैरिटी मैं आपको भी देने वाला हूँ, मैंने दे चुके ऑलरेडी में, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप एलसीएम ले लेते हो तो यहाँ से आपका पी माइनस वन प्लस टू ओवर टू आ जाएगा, सेम क्यू माइनस वन प्लस आपका टू ओवर पूरे के नीचे टू आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा वन बाई टू बीटा ऑफ पी प्लस वन ओवर टू एंड क्यू प्लस वन ओवर टू आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये डिफाइन इसलिए है बिकॉज आपके पास पी ग्रेटर देन माइनस वन था, ठीक है जी, तो जैसे आप प्लस वन कर लेते हो मतलब कि आपके इस तरफ आ जाएगा तो प्लस वन ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, इसका हाफ कर लेते हो पॉजिटिव नंबर का हाफ रहा जी ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, तो जो बीटा के अंदर हमारे पास नंबर्स बन रहे हैं ये ग्रेटर देन जीरो है, इसीलिए ये बीटा के अंदर आपको दिख रहा है, अदरवाइज ये नेगेटिव होते तो हम इसको बीटा के अंदर नहीं लिख पाते, ये डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन आती है। अभी हमने स्टार्ट किया था जीरो से लेकर, अभी हमारा जो पूरे का पूरा क्वेश्चन वो कहाँ तक पहुँच चुका है आई, तो अभी तक राधी हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा जीरो से लेकर पाई बाय टू साइन की पावर पी एक्स और कॉस की पावर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, वी कैन राइट इट एज हाफ ऑफ बीटा ऑफ पी प्लस वन ओवर टू कॉमा क्यू प्लस वन ओवर टू, लेकिन अभी तक हमने इतना ही करा है, इसके आगे आप कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर जितने भी आपको नंबर मिल रहे हैं हम बीटा ऑफ एम एन के अंदर के हमने कुछ रिलेशन करे होंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से गामा फंक्शन के अंदर भी एक रिलेशन बताएं कि जब आपको बताइए कल हमने करा था, हमने हमारा एक दो रिजल्ट करे थे रिकरेंस रिलेशन के अंदर की, गामा ऑफ एन को आप लिख सकते हो जो हमारे पास पूरे का पूरा एन माइनस वन का फैक्टोरियल बन जाता है, पूरे का पूरा एन माइनस, जैसे आपका गामा ऑफ फाइव होगा तो ये आपका फाइव मतलब फोर फैक्टोरियल हो सकता है, ठीक है, ये आपके पास रहेगा। और साथ में गामा ऑफ वन बाय टू का आंसर हमारे पास रूट ऑफ पाई, ये दो आंसर आपको पता थे। तो अभी हम बीटा के फॉर्म में आए, लेकिन हम बीटा को आगे रिप्लेस कर सकते हैं कि बीटा ऑफ एम ऑफ एन हमारे पास होता है गामा ऑफ एम, इसको आप टॉप बोल सकते हैं लेकिन गामा फंक्शन हम गामा बोल सकते हैं, गामा ऑफ एन ओवर गामा ऑफ एम प्लस एन, वैसे ये टॉ होता है सिंबल इसका टॉ बोलते हैं, लेकिन ये गामा फंक्शन हम इसमें गामा फंक्शन बोल रहे हैं, गामा फंक्शन ऑफ एम, गामा फंक्शन ऑफ एन, नीचे गामा फंक्शन ऑफ एम प्लस एन, जी हमने कल रिलेशन करा था वही रिलेशन हम आगे यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो डियर आपके पास क्या आ जाएगा इसके आगे वाला सफर कि हमारा जी वन बाय टू एज इट रहेगा, तो ये जो नंबर आपका पूरे का पूरा एम आज एन गामा के अंदर चले जाएंगे, तो गामा ऑफ पी प्लस वन ओवर टू आ जाएगा, गामा ऑफ क्यू प्लस वन ओवर टू आ जाएगा, नीचे आपने क्या करना इन दोनों को ऐड कर देना जे वाला नंबर और प्लस जे वाला नंबर, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट रहेगा आपके इस आई का जो हमने इवेल्यूएट करें। इन फ्यूचर जैसे आपको पी और क्यू की वैल्यूज पता चलेगी आप यहाँ पर वैल्यूज लिख पाएंगे और वैल्यूज लिखने के बाद आप उसको एक्सपेंड कर पाएंगे आराम से, ठीक है, आप आंसर निकाल देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी एग्जांपल भी हम आगे जाकर करेंगे। तो ये हमारा आज का पहला था, लेकिन जैसे कि प्रॉमिस करा था कि हमने डुप्लीकेशन फॉर्मूले की तरफ जाना है तो उसी तरफ हम चलेंगे और उसको यहाँ से करने वाले प्यारी सी स्माइल के साथ।
अभी तक एनर्जी लेवल कैसा हुआ बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। जो एक दो डाउट आ सकते थे कि हम ऐसे ही स्टार्ट क्यों कर देते हैं, वो मैंने आपको आंसर बता दिया कि ऐसा ही स्टार्ट नहीं, आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, बस आप तो आपको जागते रहना है, सो नहीं जाना। चलते समय के अंदर यदि आपका माइंड सो रहा है, आंखें आपकी बंद हो रही, तो आपको उठ जाना चाहिए, चाय पी लेनी चाहिए, एक कप कॉफी आपको टेस्ट कर लेनी चाहिए, अदरवाइज आपका नहीं हो पाएगा। अब डुप्लीकेशन फॉर्मूले को आपको माइंड के अंदर रखना है कि हमें ये चीज ही शो करनी है, कुछ और नहीं करना है। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही संभल कर चलना होगा। तो हम हमारे टारगेट को सेट कर देते हैं आंखों के सामने, ठीक है डियर। तो हमारा जो टारगेट है वो आप अपनी आंखों के सामने कर दीजिए लॉक, सो दैट कि हमें बार बार रिमाइंड रहेगा। तो टाउ एम चाहिए, टाउ एम प्लस 1/2 चाहिए, और ये हमारे पास रूट ऑफ पाई ओवर 2 की पावर हमारे पास 2m-1 चाहिए, और यहाँ पर tau ऑफ 2m चाहिए, ये चीज़ है। अब इसकी स्टार्टिंग आप कहाँ से करोगे, जब ये प्रूफ करेंगे तो आपको कुछ नहीं आता होगा, लेकिन हमें रिलेशन पता है बीटा और tau mn के अंदर रिलेशन होता है। एक बीटा ऑफ, ये आपकी मैं नॉलेज के लिख रहा हूँ, ये आपका बीटा ऑफ n है, ये आपका 3 गामा फंक्शन के अंदर सेपरेट होता है, गामा ऑफ m के अंदर, गामा ऑफ n के अंदर, नीचे गामा ऑफ आपका m प्लस n के अंदर चलता है। यहाँ पर यदि हम थोड़ी सी भी चेंजेस कर लेते हैं, जैसे हम m और n को इक्वल रख देते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा बीटा ऑफ m कॉमा m आ जाएगा, तो इस तरफ आपको गामा एम मिलेगा, एन की जगह भी एम आ जाएगा, नीचे भी आपको गामा ऑफ एम प्लस एम मिलेगा, और वी कैन चेक कि हमारे पास बीटा ऑफ जो एम कॉमा एम होगा वो आपको गामा एम ऊपर डबल मिल रहा है, तो आप उसका स्क्वायर कर सकते हो, नीचे आपको गामा ऑफ 2m देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये पहली स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि कैसे चीज़ों को सोचना है, कैसे आप कर सकते हो। तो अब जो चीज़ आपको रिक्वायर है, हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर गामा एम भी चाहिए, हमें 2m भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम बीटा की हेल्प ले सकते हैं, और बीटा एम एन की नहीं, हमने बीटा ऑफ एम एम की ही हेल्प लेनी, बिकॉज उसी के साथ ये चीज़ आप कर पाओगे। यदि आप m और n को डिफरेंट ले रहे हो तो फिर गामा ऑफ m 2m आपका नहीं बन पाएगा। तो इस क्वेश्चन की डुप्लीकेशन फॉर्मूले की स्टार्टिंग ही हम यहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, यहाँ से बीटा ऑफ एम कॉमा एम, और स्टार्टिंग अंदर आपको इसकी डेफिनेशन लगानी है, जीरो से लेकर 1, एक्स की पावर आपकी एम माइनस 1 होती है, फिर 1 माइनस एक्स की पावर जो आपका सेकंड नंबर एन होता है ना, इसकी पावर माइनस 1, तो यहाँ पर आपका दोनों सेम ही चल रहे हैं, तो डी एक्स आपके पास आ जाएगा। अब आगे, अब इस तरफ तो आप लिख सकते हो कि जी हमारे पास जी गामा ऑफ एम आ गया, जी हमारे पास गामा ऑफ एम आ गया, नीचे हमारे पास गामा ऑफ 2m, वो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बुक वाले नहीं लिख रहे, यू कैन राइट हियर, डोंट वरी अबाउट दिस वन। जीरो से लेकर 1 है, x की पावर m माइनस 1 है, और 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स, यहाँ तक हो चुका है। इसके आगे का सफर अब आप कैसे कर सकते हो, अब देखो आपके कुछ गामास अभी तक हमारे पास हैंडल में नहीं आ चुके, आए अभी तक हमारे कुछ गामास नहीं आए, हमें जैसे कि गामा ऑफ m प्लस 1/2 चाहिए, वो कैसे आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। और आपको ये जो रूट पाई चाहिए, ये भी आपका गामा ऑफ 1/2 होता है, तो दो अभी भी मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं पर हमने जो ये ऊपर वाला रिजल्ट लगाया है ना, ये वाला साइन ऑफ की पावर पी और कॉस की पावर क्यू, जीरो से लेकर पाई बाय टू, यदि हम ऐसा कुछ फॉर्म कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नीचे 1/2, 1/2, 1/2 दिखेंगे, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, हमें फ्रैक्शन चाहिए। तो कहीं ना कहीं, और ये जो आपके पास पी और क्यू था है ना, ये आपके पास लाइक इनका रिलेशन है, मतलब आप गिवन सम को आप इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, फिर आप उसको फ्रैक्शन के अंदर, बीटा के अंदर, फिर वापस से गामा के अंदर जा सकते हैं। तो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कनेक्शंस जो है वो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको साइन और कॉस के अंदर कैसे लिखकर जा सकते हो, तो सिंपल सा, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 1 - x है, तो हम हमारी एक्स को पुट कर लेते हैं साइन स्केयर ऑफ थीटा कर लेंगे, ठीक है। जैसे डेयर आप पुट करोगे इसको साइन स्केयर ऑफ एक्स, साथ में आपकी लिमिट्स भी चलेंगी, ठीक है। तो एक तो आपने डिफरेंशिएट करना ही करना है इसको, विद रिस्पेक्ट टू आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा, जैसे 2 आगे आ गया साइन रहेगा पावर रूल, फिर साइन का कॉज थीटा देगा, फिर डी थीटा ओवर डी एक्स। तो माय डियर फ्रेंड, डी एक्स को हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो हमारे पास डी एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 2 साइन थीटा कॉज थीटा इंटू आपके पास डी थीटा आ जाएगी, इतना हो गया डी एक्स की वैल्यू। अभी आपको लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से हमारे पास जो साइन आपके पास है ना, साइन थीटा आ रहा है, वो आपके पास लाइक रूट ऑफ एक्स आप कह सकते हो ना। तो जैसे आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, तो 0 का रूट 0 होता है, और साइन कब कितने एंगल पर 0 होता है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ही आपके पास आएगी, बिकॉज साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से हम साइन थीटा इक्वल टू 0, मतलब हमारा मीनिंग ये रहेगा कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉरी वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच मेक्स इट 0 है ना, तो वो आपका 0 आ जाएगा। और सेकेंड टाइम जब आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स है, और हम यहाँ पर एक्स को 1 फुल कर रहे हैं, तो 1 का रूट 1 नहीं आ जाएगा,
एंड दिस टाइम हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो पाई बाय टू यदि हम लेते हैं तो साइन पाई बाय टू आपका वन हो जाएगा, तो हमारे पास रेंज भी आ जाएगी। हम हमारे सम के पास वापस जा रहे हैं, जो कि हमारा टाउ ऑफ एम, टाउ ऑफ एम, और नीचे हमारे पास टाउ ऑफ टू एम है। सम टाइम आई कॉल इट गामा और सम टाइम टाउ, डोंट कन्फ्यूज, इसके साथ कन्फ्यूज मत होना। अब जब आपका जीरो था तो जीरो है, और जब आपके पास आंसर एक्स की वैल्यू वन थी तो हमारे पास फाइव बाई टू आ रहा है, ठीक है डियर। अकेली एक्स को हमने पुट कर रखा है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और इसकी पावर हमारे पास ऊपर कितनी है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। पावर हमारे पास एम माइनस वन ही है दोनों की, तो एम माइनस वन है। फिर वन माइनस एक्स था तो वहां पर भी आपका साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ही आ जाएगा, पावर एम माइनस वन है। और जैसे आप डी एक्स की वैल्यू देखेंगे तो वहां से आपको ये वाला मिलेगा गिफ्ट टू साइन थीटा, साथ में कॉस थीटा और साथ में डी थीटा आपके पास लग जाएगा, ठीक है डियर। तो करना क्या है, यहाँ से आपका जो टू कॉन्स्टेंट वो आप बाहर निकाल लेते हैं जहाँ से हम, ठीक है जी, टू बाहर लेकर आते हैं। तो टू बाहर आ चुका है, जीरो से लेकर पाई बाय टू तक का सफर है। जहाँ से आपकी जो पावर है साइन की, जैसे टू पावर, आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, टू एम माइनस टू मिल जाएगी। ऐसे जो वन माइनस साइन स्क्वायर होता है ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, पावर आपकी एम माइनस वन है। हमारे पास साइन थीटा बच रहा है, पावर वन है, कॉस थीटा बच रहा है पावर वन, और डी थीटा हमारे पास एस थीटा है, ठीक है भैया। बाहर हमारे पास टू है, जीरो से लेकर हमारे पास पाई बाय टू है, और साइन थीटा की पावर हमारे पास टू एम माइनस टू और प्लस वन हो जाएगी। कैसे सर जी, अब देखो जे भी साइन है और जे भी साइन है, बे सेम पावर को ऐड करें, और यहाँ पर भी हम दो स्टेप लगा सकते हैं। तो कॉस थीटा की पावर एक तो आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, टू एम माइनस टू आएगी, और एक यहाँ पर पावर है तो उसको प्लस वन करवा देना, तो डी थीटा हमारे पास बचेगा, ठीक है डियर। तो इतना हमारे पास आ चुका है, बाहर हमारे पास टू है, जीरो से लेकर पाई बाय टू तक हम चल रहे हैं, और अभी तक हमारे पास साइन थीटा की जो पावर आ रही है वो टू एम माइनस ऑफ वन आ रही है, कॉस थीटा की पावर हमारे पास टू एम माइनस वन इंटू डी थीटा आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ से दोनों की दोनों पावर सेम आ रही है, यदि आप यहीं से इसको अप्लाई कर देते हो, जैसे इसके ऊपर की ये बीटा गामा के अंदर जाएगी, तो यू विल गेट नथिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है, आपके पास यहाँ से कुछ हाथ नहीं आएगा, सिर्फ लेफ्ट, आपकी लेफ्ट और राइट दोनों सेम ही होगी। यदि आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर देते हो कि सर क्या हम इसी के ऊपर जी वाला रिजल्ट अप्लाई नहीं कर सकते, कौन सा रिजल्ट, ये जो मैंने आपको ऊपर करवाया था जी वाला, कि सर हम यहीं से ये वाला टाउ वाला रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जस्ट डियर स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे आपको मिलेगा नथिंग। मैंने भी अप्लाई करा था, मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं पर आपको, देख लेते हैं कहाँ पर मैंने करा था आपके लिए भी, तो मैं कुछ कर रहा था आपके लिए चेक, शायद नहीं मिलेगा अभी। तो यदि आप करना चाहते हो तो ना आपके पास क्या वो सेम टू सेम बन जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर हल्का सा हिंट देता हूँ। यदि आप अप्लाई कर लेते हो डायरेक्ट तो आपका आंसर टॉप में तो चला जाएगा, लेकिन ये आपके पास जाएगा कैसे, यहाँ पर पी था तो इसके अंदर आप प्लस वन ओवर टू करोगे ना। एक बार दिखा देता हूँ जिनके अंदर डाउट रहेगा, यदि हम जहाँ से ही आगे कंटिन्यू करवाते हो इसी को लिखेंगे, कोशिश करोगे, बाहर तो आपका टू है, ठीक है, तो आपका गामा आ जाएगा, तो वहाँ पर पावर पी प्लस वन ओवर टू करनी थी, अभी हमारे पास टू एम माइनस वन है, तो आप क्या करोगे इसके अंदर प्लस वन करोगे और डिवाइड करोगे बाय टू, ठीक है। और दूसरा भी आपका वो भी टू एम माइनस वन है क्यू, वहाँ पर तो क्यू प्लस वन ओवर टू सेकेंड आया था ना, तो ये तो सेम ही सेम आ रहे हैं ओवर टू। और नीचे आपके पास दोनों का आपने ऐड करना होता है, यहाँ पर माइनस वन प्लस वन ओवर टू, और फिर आपका टू एम माइनस वन प्लस वन ओवर टू। तो डियर ऊपर आपके पास बचेगा, यहाँ से वन कैंसिल हो गया, टू से टू बाद में कैंसिल हो जाएगा, टाउ एम आ जाएगा, वन से वन कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, टाउ ऑफ एम आ जाएगा। नीचे ना जी आपके पास, जब आप पता ही आपका जी वन से वन कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल, तो नीचे आपके पास टाउ ऑफ टू एम आ जाएगा। अरे यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी ना, यही तो हमारे पास लेफ्ट हैंड, और साथ में बाहर वन बाय टू भी आता है, तो वन बाय टू से टू कैंसिल हो गया, वही तो हमारी लेफ्ट है। अभी तक तो हमने लेफ्ट राइट सेम ही चल रही है हमारा, कुछ अलग से हमने नहीं करा, तो वही चीज़ तो हम ऑलरेडी आगे लेकर लिख कर चल रहे हैं, टाउ एम ओवर टाउ ऑफ एम टू एम, तो वही चीज़ आपके पास है, बिकॉज इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो आप जहाँ से डायरेक्ट लगाते हो तो आपके दोनों साइडें सेम रहेगी, ठीक है, अलग नहीं आएगी। लेकिन हमारा टारगेट है कि वी वांट समथिंग डिफरेंट, हमें रूट पाई चाहिए, हमें टू की पावर टू एम माइनस वन चाहिए, हमें टाउ ऑफ एम प्लस वन चाहिए, तो हमारा सफ़र कुछ और है। ये टर्न में आता है आपका जहाँ से, लेकिन जहाँ पर आपने बुनना नहीं, आपने सीधे जाना सटे, आगे का सफ़र कैसे देखें। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर लॉजिक बताया था कि यहाँ से इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि इस तरफ इस टाइम हमारे पास पावर दोनों सेम आ रही है, तो पावर सेम आ रही है तो हम यहाँ से काम कर सकते हैं, जो पहले मैंने स्ट्रेटजी बताई थी वही हम अप्लाई कर सकते हैं। हम साइन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पावर को कॉमन ले लेते हैं, टू एम माइनस वन इंटू डी थीटा। इतना करने के बाद ये चीज़ें हम इंटीग्रेशन में करते आ चुके हैं, 11 में हमने कर रखी है, 12 के अंदर सॉरी,
तो वहां पर आप इनसाइड इसको ना सिंगल फंक्शन के अंदर कंप्लीट कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस साइन और कॉस टू डिफरेंट है, वी ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू सिंगल, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इनसाइड आपने टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर लेना, ठीक है। ठीक है, इनसाइड हमने मल्टीप्लाई करवा लेना। अब हमारे पास होगा क्या, आपका ये जो टू है ये तो वहां रहेगा और आपके पास जीरो से लेकर पाई बाय टू एज इट है, लेकिन ये जो नीचे से आपके पास टू दिख रहा है ना, आप इसको कॉमन निकालोगे वन ओवर टू, लेकिन ये ऊपर जो पावर आपके पास एम माइनस वन है ना, इसको साथ में लेकर आएगा, ये अकेला नहीं आएगा। तो इसको गिफ्ट मिलेगा, ब्रैकेट के से बाहर निकलने पर, अपने घर को छोड़ने पर उसको जो गिफ्ट दिया जाएगा कि तू बाहर जा, तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए जितना अधिकार इस पावर के ऊपर हमारा है, साइन कॉस और ये टू वाले बोल रहे हैं न्यूमिनेटर, उतना ही डिनोमिनेटर को भी उसका हिस्सा बनता दे दिया। ऊपर आपका टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन ऑफ टू थीटा बन जाएगा, जिसकी पावर आपको टू एम माइनस वन देखने को मिलेगी, ये थी थीटा। अब अभी तक हमारे पास ये बाहर टू लग रखा है और इसकी पावर यदि हम दे देंगे तो ये वन की पावर तो सेम रहेगी, लेकिन टू की पावर आपके पास टू एम माइनस वन आ जाएगा। जीरो से लेकर हम पाई बाय टू तक चल रहे हैं, साइन ऑफ टू थीटा की पावर आपको टू एम माइनस वन इंटू डी थीटा देखने को मिल रही है अभी तक, ठीक है। ये हो गया जी कि अभी हम अप्लाई कर सकते हैं, जहां से भी आप अपने कॉस को 0 डिग्री लेकर आ सकते हैं, लेकिन यहां से भी थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी यदि आप वो वाला रिजल्ट अप्लाई करना चाहते हो, ये वाला रिजल्ट। ऐसा नहीं कि आपके टाइम जहां पर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यदि हमारे पास 0 से लेकर पाई बाय टू और साइन ऑफ पी एक्स है तो हम कॉस एक्स नहीं है तो हम उसको पावर 0 कर सकते हैं खुद से, बिकॉज कॉस की पावर 0 करेंगे वो 1 नहीं होता, 1 इज ऑलवेज देयर। तो आप अप्लाई कर सकते हो अपने इस रिजल्ट को, कोई दिक्कत नहीं हमें। यदि हमारा अकेला साइन आ रहा है, हमारे पास अकेला कॉज आ रहा है, या फिर हमारे पास दोनों के दोनों आ रहे हैं, और शर्त क्या होनी चाहिए उनके ऊपर, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनकी रेंज 0 से लेकर पाई बाय टू और हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, बस खाली ये प्रॉब्लम कि यहाँ पर एंगल 2 थीटा आ रहा है, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आप अपने रिजल्ट को तभी अप्लाई कर पाओगे यदि आपके पास यहाँ पर एक्स और एक्स होने चाहिए, सिंगल सिंगल नंबर होने चाहिए, तो अभी प्रॉब्लम आपके पास जे वाली आएगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी आपको फेस करनी पड़ रही है। अब इसको सिंगल करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ से आप नंबर टू बोलो इसको, और दूसरी तरफ आपकी सेम चल रही है, वहाँ पर कोई आपकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर काम नहीं करें, वो हमारा पहले भी टाउ एम था, टाउ एम था, नीचे आपके पास टाउ ऑफ टू एम चल रहा था, अभी भी आपके पास यही चल रहा है, ठीक। तो मैं इसको मतलब ये आपका कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ये आपका इक्वेशन नंबर टू। अभी हमें इसे सिंगल करना है सो दैट कि वी कैन अप्लाई ओवर दैट रिजल्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, टू थीटा को आप यहाँ से वाई कर सकते हो, वाई कर लेते हैं, और आपका यहाँ से जैसे करोगे आप डिफरेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू, आपको करना है थीटा के साथ, टू एज इट है, थीटा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, दूसरी तरफ आपका डी वाई ओवर डी थीटा आ जाएगा। यदि आप अपने इस टू को दूसरी तरफ लेकर जा दो थीटा को इस तरफ, तो आपके पास डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ऑफ डी वाई आ जाएगी, तो नंबर जी हो गया। दूसरा डियर आपको यहाँ पर लिमिट भी निकालनी है। अब वाई आपका है 2 ऑफ 2 थीटा, जब आपके पास थीटा की वैल्यू 0 रहेगी तो वाई की वैल्यू 2 × 0 आपके पास 0 आ जाएगी, और जब थीटा की वैल्यू आपके पास पाई बाय टू होगी तो वाई की वैल्यू 2 × π/2 आफ्टर कटिंग ये आपके पास पाई देखने को मिलेगी। आपको ये चीज़ें विजिबल है कि नहीं, मैं कुछ चेक कर लेता हूँ, हाँ आई थिंक सब कुछ विजिबल है। हमने इतने ही रेंज के अंदर में 2 थीटा को वाई कर दिया, सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर करें, डिफरेंशिएट इसलिए करें सो दैट कि हमारा डी थीटा की वैल्यू आ जाए। लिमिट आपको साथ में पुट करनी, वो भूल गए तो आपका पूरे का पूरा यहाँ से हिल जाएगा, ठीक है, भूचाल आ जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो चीज़ों को ध्यान से है ना आप पुट करना, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो आपका ऐसे ही चलेगा, टाउ एम और यहाँ से टाउ एम और नीचे आपका टाउ ऑफ 2 एम है। 0 से लेकर अभी अभी यहाँ से ध्यान से देखना, आपके पास ऑलरेडी बाहर बाहर क्या क्या चीज़ें चल हमारे इस पास चल रही है, हमारे पास बाहर है 2 और 2 की पावर 2m-1 चल रहा था। पहली पावर 0 से लेकर पाई बाय 2 थी, लेकिन अभी आपको पता चल गया होगा कि आपकी न्यू रेंज आ रही है 0 से लेकर पाई आ रही है। साइन 2 थीटा था लेकिन हमने वाई पुट करवा दिया, इसकी पावर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ फर्क पड़ेगा तो डी थीटा को पड़ेगा, जो कि 1/2 ऑफ डी वाई बन रहा है। अब यहाँ से होगा क्या, ये जो 2 आपके पास, आप 2 से 2 को कैंसिल करवा दीजिएगा, आपको आंसर 1/2 की पावर 2m-1 0 से लेकर आपको पाई तक मिल रहा होगा, और साइन वाई की पावर आपको मिल रही होगी 2m-1 × d ऑफ वाई मिल रही होगी। यहाँ तक हमने सफर कर लिया, ठीक है जी वाला। अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखनी स्टार्ट होंगी, जो हम प्रूफ करना चाहते थे तो उसके अंदर आपको नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर 2m-1 चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है, हमें टॉ एम चाहिए वो बन चुका है, ये टॉ 2m है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो इस तरफ लेफ्ट साइड में आ जाएगा, बस ऊपर 2 चीज़ें हमारे पास मिसिंग है, वो हम अभी ढूंढने वाले हैं, वो कैसे करेंगे आगे का सफर देखें। अब जब आगे आप सफर करोगे, क्या हम सर जी अभी अप्लाई कर दें, सर जी कि हम अभी अप्लाई कर सकते हैं, हाँ जी आप अभी अप्लाई करो, ओ माई गॉड, लेकिन आपकी जो रेंज है वो पाई चली गई,
इसकी रेंज आपके पास राजी पाई बाय टू होगी, देन यू कैन अप्लाई, अदरवाइज वी कांट अप्लाई हियर। तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास रेंज कितनी होनी चाहिए, हमारे पास रेंज इसकी पाई बाय टू होनी चाहिए, देन वी कैन अप्लाई। तो वो चीज़ भी एक न्यू आ चुकी है। क्या हम इस रेंज को शिफ्ट नहीं कर सकते सर जी, कुछ ऐसा बताओ जिसे हम चेंज कर सकते हैं। तो आप जो बचपन के दिन इंटीग्रेशन के अंदर चलते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट होता था कि जब आप 0 से लेकर 2 तक चल रहे हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स आंसर, इसका आंसर डबल लाइक ये आपका 2 आगे आ सकता है, और आपका सिंगल 0 से लेकर 1 तक आप एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। कब? जब आपके पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए। जी कुछ समझ नहीं लगा। लाइक जो भी आपके पास है ना पावर ऊपर दे रखी है, ये वाली पावर आपके पास है, यदि आप यहाँ से 2a इसको मान लेते, कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास 2a अभी पाई है ना, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको कंपेयर करवा रहा हूँ कि हमारे केस के अंदर यदि हम इसको देख लेते हैं, मैं थोड़ी चीज दिखाता हूँ कि आपके केस के अंदर एफ एक्स आपका राजी साइन ऑफ वाई है और 2a आपके पास पाई है, तो मैंने कंपेयर करवा दिया। तो हमारे पास ये हमें जिन चीज निकालनी है, आपने निकालना है कि आपने 2a माइनस ऑफ एक्स, तो हम वाई निकालेंगे, तो हमारा 2a की जगह पाई आ जाएगा और यहाँ पर वाई आ जाएगा। और ये वैल्यू आपको किसके अंदर पुट करनी है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली, लाइक ये हमारा वाई था, सॉरी। जैसे आप साइन के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करोगे पाई माइनस वाई, अरे साइन पाई माइनस वाई तो साइन वाई ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप वापस जा रहे हो, ऐसे क्वाड्रेंट होता है, और इसके पाई के अंदर से माइन करें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये प्लस वन का टॉपिक है, और आप लोग अभी ग्रेजुएशन के अंदर थर्ड सेम के अंदर चीजें भूल चुकी होगी, तो थोड़ा सा भी आप कनेक्ट कर पाओ किसी तरह से अपने प्लस टू और प्लस वन के टॉपिक हो, ये कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूले प्लस वन के अंदर रहते थे, वो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले। तो हमने क्या देखा कि हमारे केस के अंदर भी हमारी चीज़ें जो पॉसिबल हो पा रही है, यदि हो पा रही है तो हम हमारे ही इसी को कैसे लिख पाएंगे। तो डियर आप क्या करोगे, अपने इसी इंटीग्रल को आपका 2 आ गया जाएगा और यहाँ पर a बचेगी। अब सर जी a हमारे केस में कैसे बचेगी, मैंने आपको कंपेयर करवाया कि आपका 2a इज इक्वल टू पाई है, तो a की वैल्यू आपके पास पाई बाय 2 बच जाएगी, तो हमारा a पाई बाय 2 होगा। तो अभी हम वो लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, और आपको ये पूरे का पूरा ब्रैकेट के अंदर डियर करना है, यू नीड टू डू दिस इन अ ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो कि ये चीज़ हमारे पास बन रही है 2a माइनस वाई इज इक्वल टू साइन वाई, दैट इज एफ ऑफ वाई हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास टाउ ऑफ m चल रहा था ऑलरेडी, यहाँ पर भी टाउ m चल रहा था, नीचे हमारे पास टाउ ऑफ 2m चल रहा था, बाहर हमारे पास 1/2 की पावर 2m माइनस 1 थी। अभी हम चेंज कर रहे हैं, इसका 2 आगे आ जाएगा, 0 से लेकर a की वैल्यू पाई बाय 2 है, और यहाँ पर साइन ऑफ y की पावर आपके पास 2m माइनस 1 इंटू डी ऑफ y आपके एज इट है। खाली चेंज कितना करा आपने, खाली चेंज कितना करा, आपका यहाँ पर जो पाई दिख रहा था वो पाई नहीं दिखेगा, ठीक है, अभी पाई बाय 2 दिखेगा, बिकॉज जितना भी आपके पास है उसका आप हाफ कर रहे हो। जैसे ये 2a आपके पास था, नीचे देखो, जैसे ये आपका 2a था तो इसका हाफ आपका a हो गया, हमारे पास पाई था तो पाई का हाफ हमारा पाई बाय 2 हो जाएगा, तो 1/2 बस आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखेगी, बाकी कोई चेंज नहीं करना। तो हमने हमारे केस के अंदर डियर हमने यहाँ पर 2 लगा दी, हमारा पाई था तो पाई को चेंज करके पाई बाय 2 कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमने प्रॉपर्टी भी लगा लिया और हमारा आंसर पाई बाय 2 में भी चला गया। जी क्या अब हम यहाँ से थोड़ा खुश हो सकते हैं? हाँ जी अब हम खुश हो सकते हैं, और जो आपकी फॉर्म बन रही है वो मैं दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करूँ। हमारे पास ये जो 2 आपका न्यूमिनेटर में आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर 2m माइनस 1 मिल रही है, 0 से लेकर आपका पाई बाय 2 है, और साइन y की पावर आपको 2m माइनस 1 दिख रही है, लेकिन cos y नहीं है, तो आप cos y को लेकर आओ इसकी पावर 0 करवा कर, तो हमने 0 करवा दी। अब आप अपना वो वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, तो वो रिजल्ट एक बार आपको दिखा देते हैं कौन सा रिजल्ट था, कि हमारे पास जब भी 0 से लेकर पाई बाय 2 आपके पास ये चीज़ आएगी, लाइक आपके पास यहाँ पर होगा 2 पावर्स हैं, तो आपको इसको 1/2 लेकर आना है बाहर, और गामा के अंदर p प्लस जितनी पावर प्लस 1/2 करना, जितनी पावर प्लस 1/2 करना, फिर दोनों पावर्स को नीचे आपने ऐड करना, तो सेम रिजल्ट हम यहाँ पर केयरफुली अप्लाई करेंगे, ठीक है, डुप्लीकेशन फॉर्मूले के अंदर। हमारे केस के अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपका जो बन रखा है 2/2 की पावर 2m-1, ये आपका एज इट रहेगा, आपने 1/2 लगाना, न्यूमिनेटर के अंदर जितनी भी आपको पावर दिख रही है 2m-1, आपने इसके अंदर प्लस 1 करना, नीचे 2 से डिवाइड करना, गामा के अंदर 0 दिख रहा है, जैसे कॉस की पावर क्यू आपका प्लस 1 करना, नीचे 2 डिवाइड करना है, और नीचे आपको इसी गामा के अंदर इन दोनों नंबर्स को जो कि आप अभी लिख रहे हो ना, जो जो आपके पास है प्लस 1/2, यहाँ पर सेंटर में प्लस 0 प्लस 1/2 आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है, इतना हो गया, ये वहाँ से 2 से 2 आपका हट जाएगा, है ना, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1/2 की पावर 2m-1 आपको दिख रही होगी, और इधर से आप देखोगे थोड़ा सा गामा, ये आपका -1 से -1 कैंसिल हो गया, और उसके बाद 2m/2 वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो खाली आपके पास tau ऑफ m बचेगा।
इधर से आपका 0 प्लस 1, तो आपको यहाँ पर गामा के अंदर 1/2 देखने को मिलेगा। और नीचे डियर आपके पास ये आपका -1 से -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपको खाली एम मिलेगा। और प्लस यहाँ से 0 प्लस 1/2 आपको 1/2 देखने को मिलेगा। अभी तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो डियर फॉर बी गेट हमारा जो आंसर है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर गामा एम है, गामा ऑफ एम है, नीचे हमारे पास गामा ऑफ 2m है, और यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 2m-1 है, गामा ऑफ एम है, और यहाँ पर गामा ऑफ 1। अजुबरा जी आपके पास गामा ऑफ 1/2 आएगा, हमने कल करा था, इसका आंसर रूट ऑफ पाई होता है, तो हम यहाँ पर इसको रूट पाई से रिप्लेस कर देंगे, और नीचे गामा ऑफ आपका एम प्लस 1/2 आएगा। हल्की सी चेंजेस आप कर सकते हो, जैसे कि ये वाली चेंज होगी, ये पॉजिटिव नंबर है, दोनों दोनों पेंसिल आप कैंसिल कर सकते हो दोनों साइड से। इस 2m को आप इस तरफ ऊपर लेकर जा सकते हो, इसको आप इस तरफ ऊपर लेकर जा सकते हो, तो हमारे पास यहाँ पर गामा मिलेगा, इस तरफ आपको गामा एम प्लस 1/2 मिलेगा, और ये आपका जो रूट पाई कांस्टेंट आप आगे लिख सकते हो, नीचे 2 की पावर 2m-1 मिलेगा, और ये नीचे वाला गामा एम आपको 2m दूसरी साइड मिलेगा। थोड़ी सी चेंजेस है, बस किसी साइड मूवमेंट करने पर आपके पास ये वाला रिजल्ट बनता है। एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या रिजल्ट ऐसे ही चाहिए? अरे वाह जी वाह, तो ये रिजल्ट आपका बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो चुका है। गामा एम है एम प्लस 1/2, यहाँ पर रूट पाई है, नीचे 2 की पावर 2m-1 है, और यहाँ पर आप गामा ऑफ 2m आपके पास बन चुका है। तो ये रिजल्ट आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला यहाँ से रेडी हो चुके हैं, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे चीज़ें करनी है। ऐसे नहीं कि आपने इसको क्रैम करना स्टार्ट कर देना कि ऐसा ही करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों करते हैं। देखो फर्क होता है, एक तो आप सोच रहे हो आपका माइंड कि ऐसा ही होगा, आपके टीचर बोलेंगे कि यार बच्चे ऐसा ही होगा और ऐसे ही स्टार्टिंग होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे स्टार्टिंग होगी लेकिन क्यों होगी, वो सारी लॉजिक्स आपको दे रहा हूँ। आपको जो कनेक्शन जहाँ पर हाइड है, जो हमें सामने दिख नहीं रही, वो कनेक्शन आपको दिखाने की कोशिश करो। जब आपको चीज़ें पता होगी कि हमारा ये टारगेट है और इस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें ये वाले स्ट्रैटेजी चाहिए, हमें इन इनकी हेल्प चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे। फिर जब आप चीज़ें करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ हम इसको इसलिए करें बिकॉज हमें वहां तक पहुंचना है। यदि आप चल रहे हो अपनी किसी मंजिल की तरफ और आप लेफ्ट और राइट ले रहे हो बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर लेफ्ट लेना बनता है, यहाँ पर राइट लेना बनता है, बिकॉज यहाँ पर एक लेफ्ट आपको आपकी मंजिल के पास लेकर जा सकते हैं, और आगे आप स्ट्रेट जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, सारी रास्ते जो रोड मैप है, आप उस रोड मैप को पहले यदि आपको पता है तो आप अपनी मंजिल पर आसानी से और निश्चित पहुंच पाएंगे। यदि आपको रोड मैप नहीं पता है, बस आप खाली अब क्रैम कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, तो फिर आपको बोलेगा भी और आपके लिए डिफिकल्टी भी होगी, उस चीज़ को जान लीजिएगा। आज का लेक्चर बढ़िया लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ प्यारा सा कमेंट नीचे, जैसे आपकी प्राइसी स्माइल अभी आप कर रहे हो ना सेटिस्फेक्शन के साथ। यदि आप 100% सेटिस्फाई हो इस लेक्चर के साथ तो आपका कमेंट करना बनता है। यदि आपको ये लेक्चर अलग लगा, मतलब जैसे कि आपने क्लास में करा, जिन जिन स्टूडेंट को ये थोड़ा सा भी डिफरेंट लगा अपने क्लास के लेक्चर से कि लाइक वहाँ पर भी समझा था लेकिन इतना बढ़िया समझ नहीं लगा, या फिर कुछ डाउट थे, तो वो तो पक्का यहाँ पर कमेंट करेगा, बिकॉज आपके कमेंट हमें और मुझे मोटिवेट करते हैं। और जब मैं हमें बोलता हूँ तो हमें हमारी टीम, अब हमारी टीम कौन सी है, ये हमारा पेन है, ये हमारा टैबलेट है, यहाँ पर माइक लगा हुआ है, यहाँ पर लैपटॉप है, कैमरा, तो ये मेरी टीम है, ठीक है, और एक पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है। तो जी तब मैं ऐसे बोलता कि हमें बढ़िया लगेगा, हमें अच्छा लगेगा, तो जी मेरा हम है, ठीक है, बिकॉज वी आर टीममेट, इसके बिना पेन के बिना हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो सारी चीज़ें साथ में बैठक देती, तो हमें बहुत ही खुशी होगी, हमारे लैपटॉप को भी होगी, हमारे माइक को भी होगी, ठीक है, इन सभी को जो यहाँ पर काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, आपको एक बढ़िया क्वालिटी देने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, टेक केयर।